बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चैप्टर टू हमने स्टार्ट किया था, इसका इंट्रोडक्शन हमने इससे पिछले लेक्चर में कर दिया था, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। तो डेरिवेटिव का हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम जो डेरिवेटिव है उसको सबसे पहले ए बी निशु मैथड या बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करने के लिए हमारे पास चार स्टेप्स होते हैं। वो चार स्टेप्स मैंने आपको बारी बारी बताए थे कि वो चार स्टेप आपने किस तरह से अप्लाई करने हैं, कि मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। चार स्टेप में सबसे पहले तो आपने पहले स्टेप में आपने एक्स में चेंज लेना है, यानी एक्स पर डेल्टा एक्स ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली वाई में भी चेंज हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन वन इक्वेशन टू टू में से वन को माइनस कर देना है। फिर आपके पास तीसरा स्टेप ये कि आपने पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देना है। चौथा स्टेप ये था कि आपने डेल्टा एक्स को टू जीरो लिमिट ले लेनी है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये चारों स्टेप हैं। तो बाय डेफिनेशन, बाय ए बी निशु मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इन तीनों में यही चारों मेथड आपके पास यूज होंगे, तो इनको आपने अच्छे से याद रखना है। अब एक्सरसाइज 2.1 है जी। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डेफिनेशन, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज डिफाइंड एज। अब मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, बाय ए बी निशु मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। इन तीनों का मेथड बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है इन तीनों के मेथड में। तो वो अगर ए बी निशु मेथड पूछे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पूछे, बाय डेफिनेशन पूछे, तो आपने उस इन चारों स्टेप से ही करना है, ठीक है। देखें अब आपने क्या करना है जी, ये लिखा हुआ है कि आपने इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करना है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि आपके पास इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो एक्स है, और डिपेंडेंट वेरिएबल तो आप इसमें कोई भी इक्वल लिख सकते हैं, वो आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स है, एक्स की मदद से यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से आपने इसका डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का। तो पहला फंक्शन है जी 2x² + 1, 2x² + 1। तो हम इसको जरा सॉल्व करते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। आपने जिस मेथड से करना है ना, आपने को लिख देना है अकॉर्डिंग टू बाय मेथड ऑफ बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब आपने क्या किया, लेट किया कि वो y के इक्वल है, y इज इक्वल टू 2x² + 1। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप x में चेंज करेंगे, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप चेंज करते हैं ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल उस इंडिपेंडेंट की वजह से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि जो डिपेंडेंट होता है वो इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें एक्स इंडिपेंडेंट है तो वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जब आप एक्स में स्मॉल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाई में भी स्मॉल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, जब आपने एक्स में डेल्टा एक्स ऐड किया तो ऑटोमेटिकली वाई में भी डेल्टा वाई ऐड हो जाएगा। सिर्फ एक्स में लिखना, बाकी कहीं नहीं। ये टू है x प्लस डेल्टा x का स्केयर, यानी x में हमने स्मॉल चेंज कर दिया ऐड प्लस वन, y में भी स्मॉल चेंज हो गए, ठीक है। तो ये इसका पहला स्टेप है कि जब आप x में स्मॉल चेंज करते हैं तो आपके पास y में भी स्मॉल चेंज होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था कि चेंज क्या होता है इसमें, जो हमने पॉइंट में ले किया, हमारे पास फंक्शन को हमने चेंज किया था। पहला स्टेप तो ये होगा। दूसरा स्टेप ये था, इस इक्वेशन को आप वन कह लें, इस इक्वेशन को आप टू कह लें, आप इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना इसमें से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर दें। तो माइनस का आपको पता है कि आप लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होती है और राइट साइड में से राइट साइड माइनस होती है। तो लेफ्ट साइड में से जब लेफ्ट साइड कैंसिल होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा जी, कि वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई है, तो आपके पास वाई में से वाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा डेल्टा वाई रह जाएगा। सिमिलरली आपके पास राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड पे, या राइट हैंड साइड पे भी आप ऐसे करेंगे कि 2 इनटू x प्लस डेल्टा x का स्केयर प्लस 1, तो ये माइनस 2x² + 1 आपके पास इधर आ जाएगा। इस तरह से आपने करना है सब में, या आप जिस तरह यहाँ किया हुआ है इसमें ये है कि आपके पास डेल्टा y इधर है, y इधर आके माइनस हो गया। अब y की ये वाली वैल्यू इधर उठा के पुट कर दिया आपने, तो इसका स्केयर ओपन कर दिया, ये है जी स्केयर ओपन किया आपने x प्लस डेल्टा x, यानी a प्लस b का ना जिस तरह स्केयर होता है वो वाला। तो ये होगा जी 2 इनटू x का स्केयर प्लस 2 डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 2x² - 1। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2, ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा 2x² + 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्केयर माइनस 2x²
स्टूडेंट आके मल्टीप्लाई ओवर आगे ये आ गया, ठीक है। तो 2x² 2x² कैंसिल हो गया, 4x डेल्टा x + 2 डेल्टा x, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, तो ये आ गया 4x 2 डेल्टा x। एक तरीका तो ये ना कि आप इसी वाई को इधर ला के माइनस करते हैं और ये वाली वैल्यू वाई की इधर पुट करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन में से ऊपर वाली को माइनस करते हैं। दोनों मेथड सेम है, जो आपको इजी लगे आप उसमें से कर सकते हैं। या तो इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दें, या इस वाई को इधर ले आए और यहाँ पे ये वाई की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। और आपके पास ये आ जाएगा जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 4x + 2 डेल्टा x। अब बाय डेफिनेशन वाले दो स्टेप हम इस पे अप्लाई कर चुके हैं। इसका तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने डेल्टा एक्स पे दोनों तरफ डिवाइड करना है। डेल्टा एक्स पे डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, आपने लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया, आपने राइट साइड को भी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड से किया तो आपके पास आ गया डेल्टा वाई पे डेल्टा एक्स इक्वल टू 4x + 2 डेल्टा x। तो इसमें इसमें जो है ना डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आ गया जिसको चौथा स्टेप। चौथा स्टेप ये है कि टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 4x + 2 डेल्टा x। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हो और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो, तो ये वाली जो है ना, ये वाला इक्वल हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स की। ये वाला जो है ये डेरिवेटिव की इक्वल हो जाएगा, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये वाला लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आपके पास ये वाला हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे डेल्टा एक्स लिमिट आपने अप्लाई की तो आपके पास डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। यहाँ तो डेल्टा एक्स है ही नहीं है, तो एक्स है, 4x + 2 × 0, तो डी वाई बाय डी एक्स आ गया जी 4x। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब वाई की जगह पे आपने वो वैल्यू पुट कर दी 2x + 1 = 4x, ठीक है। तो ये वाला इसका जी, इसका डेरिवेटिव आ गया है 4x। ये वाला जो फंक्शन था ना, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो आया है वो 4x आया है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो हमने लिया है वो है 4x। तो ये वाले चार स्टेप्स हैं जी। पहले स्टेप में दोबारा से इस क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2x² + 1 को y के इक्वल पुट किया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि आपने x में स्मॉल x ऐड कर देना है, x प्लस डेल्टा x का स्केयर। तो जब आप x में ऐड करेंगे तो y में भी ऐड हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। अगला स्टेप ये कि आपने इस डेल्टा y में एलिमेंट से इस ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस कर देना। जब आप माइनस करेंगे, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप इसको आगे जो कट जाएंगे इसको काट देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x 4x + 2 × डेल्टा x। अब तीसरा स्टेप आपके पास ये है कि आपने डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। अब आप डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू ये वाला डेल्टा एक्स जो राइट साइड पे है ना, ये डेल्टा एक्स नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 4x + 2 डेल्टा x। चौथा स्टेप आपके पास ये है जी कि टेकिंग लिमिट व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। आपने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा एक्स जो है लिमिट वो अप्रोचेस टू 0 कर दी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इनटू 4x + 2 डेल्टा x। हम डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट किया और आपके पास ये वाला जो लेफ्ट साइड है ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो आपने y की वैल्यू पुट की, दिस मीन द डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 1 विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इज 4x, ठीक है। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं जी। y इज इक्वल टू 2 √x, ये वाला फंक्शन है जी, इसका भी आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। आपने क्या किया, इसको y के इक्वल पुट किया, ठीक है। दूसरा स्टेप ये कि आपने x में डेल्टा x ऐड करना है। जब आप x में डेल्टा x ऐड करेंगे तो मीन कि y में भी डेल्टा y ऐड हो जाएगा, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2 √x + डेल्टा x। पहला स्टेप ये हो गया, जब आपने x में डेल्टा x ऐड किया तो y में भी डेल्टा y ऐड हो गया। अब आपने क्या किया, ये वाला y इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये जो y है इसकी जो वैल्यू है ना, ये वाली 2 √x वो आपने पुट कर देनी है। आपके पास ये 2 √x है तो ये जो बाहर माइनस है ना, ये आगे वाले लंबे चेंज कर देगा, तो होगा -2 √x, ठीक है, -2 √x। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया।
हो जाएगा जी स्क्वायर रूट प्लस एक्स है ना, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स इज पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज पावर 1/2। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स इज पावर 1/2 माइनस, अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इसमें इसमें जब भी आपको पता है कि पावर फ्रैक्शन में आ जाए या पावर माइनस में आ जाए, तो आप उस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, बाइनोमियल से, बाइनोमियल थ्योरम से। तो अब आपने क्या करना है, आप बाइनोमियल पे जब आप ओपन करते हैं तो दिस मीन कि आपके पास बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए आपके पास 1 होना चाहिए शुरू में। ठीक है, अब उस 1 को लाने के लिए आपने क्या किया, आपने इसमें से x को कॉमन ले लिया, इसमें से x को कॉमन ले लिया, जब आप x को बाहर लेंगे ना, x की पावर 1/2 बाहर आएगी। ठीक है, जब आप यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो दिस मीन कि x की पावर 1/2 बाहर आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाई एक्स इस पावर 1/2। अब आपको पता है हमने इसको जब सॉल्व करना है, अब डायरेक्ट तो हम इसमें सॉल्व कर नहीं सकते, इसका यानी 1/2 की इस तरह की फॉर्मूला है नहीं जो ओपन कर सके, तो पावर अगर फ्रैक्शन में हो या पावर माइनस में हो, नेगेटिव में हो, तो आप उस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं थ्योरो बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जब आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 1 होता है, जब आपने 1 लाना है तो आपको यहाँ से एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, जब आप एक्स कॉमन लेते हैं तो आपके पास एक्स की पावर जो बाहर है वो आती है 1/2, एक्स पावर 1/2 बाहर आई, तो एक्स पावर 1/2, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई एक्स आ गया इस पावर 1/2। ठीक है, अब आपने क्या किया जी, एक्स इस पावर 1/2 माइनस एक्स इस पावर 1/2, अब आपने इसको ओपन कर दिया बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। वो आपको पता है कि क्या होता है, 1 प्लस एक्स इस पावर एन हो तो वो आप उसको ओपन करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स इस पावर 3। ये आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा है, तो ये वही वाला थ्योरम है, आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, सिर्फ इसकी फॉर्म में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह यानी एन होता है पावर, तो ये 1/2 इंटू एक्स की जगह आपके पास है डेल्टा एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो ये होता है ना, होता था 1 प्लस एक्स इज पावर एन, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, तो उसको ओपन करते थे 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पे 1/2 आ गया और एक्स की जगह पे आ गया डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, एन आपके पास है 1/2, तो इसका इट मींस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। बस इसकी टू टर्म्स काफी है। ठीक है, ये वाली काफी है, यहाँ तक आपने ओपन कर दिया जी। अब आपने क्या किया जी, देखें, अब आपने ऐसा किया इसका के, अच्छा अब आपने क्या किया जी, जो जो है ना एक्स इज पावर 1/2 ये वाला, इसको आपने आगे मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ये वाला एक्स पावर 1/2 वैसा आ गया, एक्स इज पावर 1/2 को जब 1 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस एक्स इज पावर 1/2। अब नेक्स्ट है जी, माइनस एक्स इज पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना, तो ये क्या आ गया प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आगे आपने एक्स पावर 1/2 को वैसे ही लिख दिया, मतलब उसकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी एक्स पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लेदा आ गया माइनस एक्स पावर 1/2, और आगे जो है ना ये वाला एक्सप्रेशन इससे आगे इसके आगे आपने फिर माइनस एक्स पावर 1/2 सबके बाहर लिख दिया, आगे मल्टीप्लाई करके आपने नहीं लिखा। अगले स्टेप में आपने क्या किया जी, एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स की 1/2 से कैंसिल होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स की 1/2। अब आगे देखें, इन सब में से ऊपर डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या किया डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 1/2 एक्स माइनस, अब इसको ओपन किया आपने 1/2 और माइनस 1/2/2, तो ये आ गया माइनस 1/4, नीचे वाला 2 है तो माइनस 1/8 डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर था, हमने एक डेल्टा एक्स बाहर ले लिया, तो यहाँ डेल्टा एक्स आ गया ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका तीसरा स्टेप है जी, तीसरे स्टेप में आपने इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देना है, डेल्टा एक्स पे आपने डिवाइड किया, आपके पास राइट साइड पे जो डेल्टा एक्स है ना ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स की 1/2 इंटू 1/2 एक्स माइनस 1/8 डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप ये है कि जी आपने क्या करना है, आपने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो कर देनी है।
तो आपने क्या किया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज बाय 1 बाय 2, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाय 2 एक्स माइनस 1 बाय 8 इनटू डेल्टा एक्स बाय एक्स के। ये वाला मैंने आपको बताया था कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हो और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, डी वाई बाय डी एक्स के। तो माइनस एक्स इज बाय 1 बाय 2, अब जहाँ पे डेल्टा एक्स आपने 0 पुट कर देना, तो 0 पुट किया तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया, ये माइनस एक्स पर 1 बाई 2 दिया गया, 1 बाई 2 एक्स माइनस 0 प्लस 0 ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, ये वाला खत्म हो गया आगे से, माइनस एक्स पर 1 बाई 2 तो ये 1 बाई 2 एक्स, माइनस 1 बाई 2 को तो आपने साइड पे कर दिया, अब एक्स की जो पावर है ना वो ऐड हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे वाला 1 जो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स पर 1 बाई 2 है माइनस 1, दिस मीन कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एक्स इज पावर माइनस 1 बाई 2, यानी 1 बाई 2 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास आ गया माइनस 1 बाई 2। तो दिस मीन द डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट एक्स इज माइनस 1 बाई 2 एक्स इज पावर माइनस 1 बाई 2। ठीक है, सिमिलरली इसका जो तीसरा पार्ट है वाई इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स, इसको भी आपने ऐसे ही करना है जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, यानी इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आपने ओपन करना है और उसके बाद आगे सॉल्व, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। इसका चौथा पार्ट हम करते हैं, ये लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर x क्यूब एंड y इज इक्वल टू, तो आप क्या करते हैं x की पावर जो नीचे प्लस 3 है ऊपर जाके हो जाएगी माइनस 3। ठीक है, y प्लस डेल्टा y, जब आप x में डेल्टा x ऐड करें दिस मीन कि आपके पास y में भी डेल्टा y ऐड हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया, y को इधर जाके माइनस कर दिया और इधर y की वैल्यू पुट कर दी जो कि x की पावर माइनस 3 है। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपके पास पावर नेगेटिव में आ जाए या पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए तो आप वहां से बाइनोमियल अप्लाई करते हैं। आपने क्या कि इसमें से एक्स को कॉमन लिया, तो जब आप एक्स कॉमन लेते हैं ना तो एक्स की जो एक्स वो बाहर आएगा तो एक्स की पावर माइनस 3 बाहर आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। जब आपने यहाँ से एक्स की माइनस 3 कॉमन लिया ना तो यहाँ भी एक्स की माइनस 3 है, यहाँ भी एक्स की माइनस 3 कॉमन लिया, तो यहाँ एक स्टेप मिस है। तो जब आपके पास ये है कि यहाँ से x आपने कॉमन लिया ना तो x की पावर बाहर जो x की पावर माइनस 3 आएगी और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाई x। ठीक है, x की माइनस 3 बाहर आई है, यही भी x की माइनस 3, आपने दोनों x की माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया जी 1 प्लस डेल्टा x बाई x की पावर माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आपने ओपन कर दिया जी बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह है माइनस 3, 1 माइनस 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, सिमिलरली 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 यानी माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्केयर, और ये वाला माइनस 1 वैसे ही आ गया था। ठीक है, एक्स की माइनस 3, 1 माइनस 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बाई 2, ये आगे डेल्टा एक्स स्केयर और डेल्टा एक्स ये माइनस 1, या माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो गया, x की माइनस 3 ये आ गया माइनस 3 डेल्टा x बाई x। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 बाई 2 तो ये 6 आ गया डेल्टा x के ओवर x, तो ये आ गया जी x क्यूब, अब ऊपर डेल्टा x कॉमन आ रहा है तो आपने डेल्टा x बाई x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ बच गया माइनस 3 प्लस 6 डेल्टा x बाई x। स्टेप 3 इज डिवाइडिंग डेल्टा x ऑन बोथ साइड, आपने डेल्टा x पे डिवाइड किया तो ये वाला आपके पास डेल्टा एक्स पे कैंसिल हो गया, ये जो नीचे एक्स की पावर 1 है ना ऊपर जाके माइनस होगी, तो ये आ गया जी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एक्स की पावर माइनस 3 माइनस 1 ये माइनस 4 होगी, यहाँ बच गया जी माइनस 3 प्लस 6 डेल्टा एक्स बाई एक्स। स्टेप 4 इज टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स क्लोजर टू 0, तो ये आ गया जी एक्स की माइनस 4, जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 पुट करते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3 एक्स पावर माइनस 4, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये है जी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से इसका जो डेरिवेटिव है माइनस 3 एक्स पावर माइनस 4। तो जहाँ पे आपने देखना है ना पावर आपके पास फ्रैक्शन में आ रही है या नेगेटिव में आ रही है वहाँ आपने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना और बाकी स्टेप्स आपके पास वही है। तो ये सारे के सारे पार्ट बिल्कुल इसी तरह से हैं। ठीक है, तो ये आपने कोशिश करनी है, ये आपसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम इसके अगला जो पार्ट नंबर 2 है वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।